एक मिक्स नान, चार आलू प्याज, एक पनीर वाला लगा लो, चार अच्छे परौंठे, चार अच्छे परौंठे, रेडी चावल राजमा नीचे भेज दो, अच्छे से मक्खन लगा देना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई बिग और सर भाई में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका अपना हरिहर भाई साहब। आज हम आए जी ऐसे ढाबा पे जहाँ पे एक होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी हेरिटेज अपनी लेगेसी वाला ढाबा चला रहे हैं। यहाँ पे जो सब्जियाँ, यहाँ पे जो दालें, यहाँ पे जो पनीर की जो बढ़िया बढ़िया जो रेसिपीज है वो आपको सब दिखाते हैं। मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है। पाजी सत श्रीकाल। पाजी क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। पाजी थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। और पाजी मैंने सुना आपने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ढाबा चलाते हो, आप बहुत बड़े बड़े खाने बनाते हो, क्या क्या लगाते हो आप यहाँ पे? मैं सर अपना अमृतसरी नान, राणा रोटी कुलचा खाना भी है, और भी बहुत अच्छे आइटम बने सर जो मेरे फादर थे मैं अभी मिलके। क्या बात है, क्या बात, दिखाइए सर कौन कौन सी आइटम्स है जी। ये सर अपनी न्यूट्री है सर। ये भाई साहब ये देखो, सरदार जी ने ना तवे के ऊपर अमृतसरी स्टाइल में बहुत ही जबरदस्त न्यूट्री जो है उसकी सब्जी बनाते हैं, पर यहाँ पे पालक वाली न्यूट्री नहीं होती है ना? नहीं सर, ये नॉर्मल है। एक साड़ी और एक अल्टरनेटिव है ऊपर, वो राणा न्यूट्री है, वो लाइव दिखाऊंगा सर, वो उसको भी अल्टीमेट। क्या बात है सर, क्या बात है। और ये क्या है सर? ये सर पालक चाप भाई। ये है जी पालक चाप, आपने शायद कहीं भी नहीं देखी होगी। चाप जो होती है स्टिक वाली चाप, उसको पालक के अंदर पका के दिया जाता है भाई साहब। इतनी जबरदस्त रेसिपी है ये कि इसको एक बार खाओगे ना भाई साहब बार बार आओगे, वो वाला सीन है। ये सर, ये सर दाल है सर, दाल। ये देखो भाई साहब दाल फ्राई है ये। और सर कितने घंटे पकती है ये? ये सर 6 to 8 hours पकती है सर, 6 से लेके 8 घंटे पकी हुई दाल है जी। और भाजी दूध दूध पानी में या किसमें? नहीं सर, प्योर है, देसी घी में बनाते हैं सर। देसी घी में बनती है जी दाल। और इधर देखो भाई साहब, ये सर पीली दाल मिक्स में रखी है, इसको लाइव साथ के साथ में सर टॉस करते हैं। अच्छा, ये लाइव दाल बनाते हैं जैसे शादियों में देखते हैं। यस यस, क्या बात है, क्या बात है। ये सर अमृतसरी चने हैं सर, ये बिना लहसुन प्याज छोले, बिना लहसुन और प्याज के, विदाउट ऑयल। ये अमृतसरी छोले जो है बिना लहसुन प्याज के हैं जी, और विदाउट, अच्छा ऑयल भी नहीं है? ऑयल भी नहीं है सर। क्या बात है पाजी। ये सर ये मलाई चाप है सर जी। ये सर बटर चिकन नहीं होता सर जी, तरह की सर ग्रेवी है सर। वेज में नॉन वेज का स्वाद दे रहे हो पाजी, मतलब मलाई चाप है पर इसको बटर चिकन से कम मत समझना आप। यस। और इधर क्या है भाजी, ये बाकी डिब्बों में? भाई साहब अमृतसरी छोले जो है ना, वो इनकी इतनी सेल होती है यहाँ पे कि 3 कंटेनर्स में तो अमृतसरी छोले रखे हुए हैं। और मैंने ना एक चीज आपके बारे में सुनी है कि आपने HM करी है, होटल मैनेजमेंट करी है। ये सर मेरा ड्रीम था सर, भी मैंने अपने फादर का बिजनेस को आगे बढ़ाना, तो मैंने होटल मैनेजमेंट चूज किया। मतलब आपने अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई भी उसी फील्ड में करी है? मैंने सर बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्निंग सीखने को मिला है, मतलब ऐसे चलाते हैं सर हमें, ये हमें डिशेज में ऐसा करें, ये सारा मतलब कि ऑल ओवर थिंग्स ही किया। अच्छा। मैंने 6 मंथ ट्रेनिंग भी किया उसमें, ऑल ओवर बड़ी एक्सपीरियंस रहा, सीखने को मिला जी, मतलब कि वंडरफुल था सर मेरा। क्या बात है, क्या बात है, जो कुछ मिला मुझे। भाजी आपने ना एक चीज़ ऑफ कैमरा बोली थी कि दाल के अंदर प्याज नहीं जाता, तो वो थोड़ा मेरी ऑडियंस को बताओ कि क्या सीन है? दाल मखनी सर, आपको कई भी बड़े 5-4 हमें जैसे पढ़ाया गया सर जी स्टडी में, भी दाल मखनी होती ना बिना प्याज की होती सर जी, वो लहसुन और टमाटो प्यूरे की ग्रेवी की बनती है सर। अच्छा। यस, बाकी कई और सबका अलग अलग फंडा है सर, भी कोई प्याज लगे तड़के लगा रहे जी, पर हम सर दाल मखनी बिना प्याज के ही बना रहे। क्या बात है पाजी, तो बना के दिखाओ। तो पाजी ने ना इधर अपना होटल मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो पाजी ने अभी दिखाना, अपनी स्किल दिखानी है साथ में। ये आ गया जी देसी घी। पाजी आपकी बैकग्राउंड क्या है, मतलब फैमिली जैसे ढाबा बहुत पुराना लग रहा है आपका? मेरे सर फादर थे, मेरे दादाजी थे, फीड शॉप थी सर। अच्छा। तो सर मेरे फादर का दुध का काम, ग्रैंडफादर दुध का काम थी सर जी जी जी, विलेज तो आते जी सर 40 किलोमीटर साइकिल पर आते। अच्छा। इतने आके सर दुध पाते थे, हौली हौली सर उन्होंने लुधियाना मूवमेंट मूव कर लिया। वाह 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 वाह। भाई साहब ये दाल बनाते बनाते आपको बताता हूँ कि जो भाजी हैं उनके दादाजी दूध का काम करते थे, और 40 किलोमीटर वहाँ से यहाँ तक मतलब बाइक पे या साइकिल पे दूध बेचते हैं। साइकिल पे दूध बेचते हैं, साइकिल पे आते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे लुधियाना में मूव कर लिया, और अब शहर के बीचों बीच पाजी का ढाबा है। और देखो खाने से इतना प्यार है कि पाजी ने होटल मैनेजमेंट करी है ताकि अपने कस्टमर्स को एकदम क्वालिटी और एकदम बढ़िया फूड खिलाएं। ये आ गया जी लहसुन का पेस्ट, मैंने एंगल चेंज कर लिया क्योंकि भाई साहब मुझे डरा दिया गया, मुझे बताया गया कि पाजी जो है वो बड़ी खतरनाक कुकिंग करते हैं। देसी घी के अंदर आ गया जी लहसुन। पाजी जब अटैक करोगे तो बता देना, मैं थोड़ा पीछे हो जाऊंगा। ये कोई मसाला है जी? जीरा डाला है। पाजी आपकी फेवरेट चीज़ क्या है यहाँ पे? मैं सर दाल मखनी खाता हूँ और मसाला चाप। मसाला चाप और दाल मखनी, क्या बात है। ये आ गया जी टमाटर। ओ भाई भाजी आपने बताया नहीं है, आजकल ना क्या हो गया कि पहले मैं कैमरा लेके घूमता था, बहुत बड़ा लेंस आगे होता था, आजकल मेरा हाथ जो है ना वो लिटरली आगे घूम रहा होता है, मतलब हाथ मेरा कैमरा से आगे इस टाइम पे, तो घबराहट हो जाती है।
एकदम से डर लग जाता है। ये जो दाल देखोगे ना आप, ये देखो भाई, ओहो जबरदस्त भाई साहब, ये दाल दाल में आ गया जी पंबड़। और मैं अगर और जूम करके दिखा पाऊँ आपको, रुको कोशिश करता हूँ। ये नमक आया जी, अब जाके नमक आया, हल्की लाल मिर्च आ गई। ओ भाई मेरे हाथ पे छिट्टे पड़ रहे हैं। मैं तो भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज दिखा पाऊँ, इससे ज़्यादा जूम जाएगा नहीं। ये आ गया जी अमूल मक्खन। और भाई ये दाल देखो यार, ऊपर से क्रीम, फ्रेश क्रीम, ज़बरदस्त भाजी, ज़बरदस्त यार। अजी ये रेसिपी जो आपके दादाजी की या पापा की है, वो वाली रेसिपी यूज़ कर रहे हो आप या होटल मैनेजमेंट वाली? सर होटल मैनेजमेंट वाली। ये होटल मैनेजमेंट वाली है। ओके, तो वो कैसे बनाते थे पहले? वो सर दाल फ्राई करते थे पहले जी, वो दाल मखनी तो मैंने इसको बाद चेंजेस की सर। अच्छा, हाँ जी। तो आपने डिफरेंस क्या लाया इसमें? डिफरेंस होटल मैनेजमेंट स्किल्स डाले। क्या बात है, वो डिफरेंस आप हमें नहीं बताओगे? लच्छा परांठा साथ में, ये आ गई जी बाल्टी के अंदर। भाई साहब हमारे पंजाब में ना लस्सी जो है वॉशिंग मशीन में और दाल जो है वो बाल्टी में। भाई इधर का एंगल दो एक मुझे, ए ए ओ भाई हाँ एंगल देखो मरा जाए तुम हूँ पाओ जी, ये एंगल देखो भाई, ओए अच्छा मक्खन भी आएगा अभी, वाह जी वाह, दाल मखनी में मक्खन भी रखी, क्या बात है भाजी क्या बात है। ये है वो स्पेशल गोल्डन लिक्विड जिसको देख के मुंह में पानी आ जाता है, देसी घी है भाई, देसी घी है, इमली वाली चटनी सर। ये भाई साहब अमृतसरी इमली वाली चटनी है, प्याज मूली और पता नहीं क्या क्या डाल के बनाते हैं, जबरदस्त। ये मसालेदार रहती है, इसमें मिठास कुछ नहीं होती, इसमें बस खट्टा और मसाले रहते हैं जी। और इधर देखो भाई साहब, अभी ढाबे की जो टाइमिंग है ना, हम उससे पहले आ गए हैं और यहाँ पे प्रेपरेशन जो है वो सारी करके रखी है। बहुत ही साफ सुथरा यार सारा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, जो हाइजीन लेवल्स हैं काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। पाजी इसमें आपने चांप नहीं दिखाई है, चांप कहाँ है इसमें? साइड में यहाँ पे चांप दिखेगी आपको, मैं पहले चांप वाला गेड़ा लगाना भूल गया था, मैंने सोचा आपको चांप ज़रूर दिखाऊं। और जो भाई इसकी प्लेट लगती है ना, प्लेट क्या लगती है, वो तो जान ही निकल जाती है भाई साहब। सर आप मसाला चांप बना रहे हैं? मसाला चांप भाजी, वो जो बना हुआ है वो क्या है? वो मलाई चांप है सर। वो मलाई चांप है, अब आप मसाला चांप बना के दिखा रहे हो, दिखाइए सर। भाजी अटैक करने से पहले बताना प्लीज़। जी जी सर। ये देखो जी पैन के अंदर आ गया सबसे पहले ऑयल और देसी घी दोनों इकट्ठे, और इनका सम्मेलन हो गया भाई साहब। एक रेसिपी मेरे फादर की है सर। ये आपके पापा की रेसिपी? उससे मैंने सीखी। वाह वाह। और एक चीज़ और बताओ भाजी, अपनी यहाँ पे टाइमिंग्स क्या है? सुबह 9:30 टू रात को 10 बजे तक। 9:30 टू 10? 10। ओ भाई ऑलमोस्ट 12.5 घंटे की ड्यूटी है आपकी। yes. क्या बात है। और दाल मखनी का क्या प्राइस है सर? दाल मखनी प्राइस है 130 सर। 130। और एक चीज़ और बताओ, ये जो चांप पालक है आपकी, ये पालक चांप है, ये कितने की है? ये सर चांप कुचा है, इसके साथ 2 कुचे 100 रुपीज़ की है सर। भाजी मेरा एक सवाल और है, बहुत ज़रूरी सवाल है, कि भाजी मसाला चांप कितने की है? मसाला चांप सर 220 की। पैन के अंदर 3-4 चीज़ें आई हैं, मैं इधर आती हूँ तो बताता हूँ। इसमें देखो प्याज आया, हरी मिर्ची आई है, हल्का जीरा है, ये आ गया जी जीरा, और मैं उधर आता हूँ भैया, ये आ गया जी गार्लिक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। गार्लिक सर डॉक्टर कहते हैं ना गार्लिक खाना चाहिए, जी जी जी, इसलिए सर गार्लिक डालते हैं सर, डॉक्टर फ्लेवर बढ़ता है सर। ठीक है सर, मैं सर वो निकलेगी अपनी फ्लेम निकलेगी। अच्छा, ये मसाला है सर, ये मसाला है जी, और भाजी ने पहले डरा दिया फ्लेम निकलेगी, और भाई ओ भाजी ने पहले डरा दिया था फ्लेम निकलेगी, और भाई काफी फ्लेम आई है यार। ये आ गया जी नमक, गरम मसाला, ब्लैक पेपर, लाल मिर्च, कसूरी मेथी हल्की सी, कसूरी मेथी हल्की सी तवे के ऊपर रोस्ट करके, वाह। और ये आ गया जी एक गरम मसाला थोड़ा सा और, और भाई साहब ये ग्रेवी हल्की सी, मैं सिंगल लेग के ऊपर खड़े होके वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा पाँव तो जमीन पे लग ही नहीं रहा। ये ग्रेवी आ गई जी, ये भाजी वो बटर चिकन वाली ग्रेवी भाई ने? यस यस। क्या बात है, पहचान गया सर, चांप दे पीस। ये आ गए जी चांप के पीसेस। भाजी ओरिजिनल चांप है कि ये मैदे वाली है? नहीं सर, ओरिजिनल चांप है, मैदे वाली है, बहुत यूज करने लगे ना। नहीं सर, अभी शुरू से सर बढ़िया चीज़ बरती है सर, हर आए तो बढ़िया चीज़ बरती है, कोई हल्की चीज़ नहीं सर, क्वालिटी ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या बात, रोस्ट करके और उसके बाद भी हाथ से तली से गर्म करके फिर डालिए कसूरी मेथी। भाई साहब घर पर कुछ बनाओ और कसूरी मेथी डालो ना, तो ऐसे ही डालो, नहीं तो कसूरी मेथी वेस्ट है यार। जब तक आप रोस्ट नहीं करते ना उसको हल्का सा, तब तक तो कसूरी मेथी वेस्ट है। ये हल्का रोगन, ये आ गया जी रोगन अपना,
ओ भाई ये देखो भाई साहब कंसिस्टेंसी देखो, एकदम सब्सटेंशियल ग्रेवी है यार, जबरदस्त वाली। वाह 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 वाह। आपकी मसाला चाप बन के तैयार है और ये देखो भाई, ओहो हो 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 हो, पाजी ग्रेवी डालो ऊपर से, एकदम बढ़िया शॉट देना। मेरे जो परिवार वाले हैं ना, इन शॉट्स की वजह से वीडियोस देखते हैं। ओए होए होए होए, पाजी ऊपर क्या आएगा? ऊपर अभी थोड़ा रोगन और आएगा, अभी थोड़ा सा रोगन और आएगा जी। वेट करो वेट करो वेट करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। ओए होए होए होए। और भाई साहब ये लग रही है हमारी थाली। सबसे पहले तो पालक चाँप आएगी जी। ये पालक और चाँप का जो कॉम्बिनेशन है ना, क्रीमी क्रीमी वाला, देसी घी वाला, मक्खन वाला, दूध वाला। और ये आ गई जी आपकी पालक चाँप प्लेट के अंदर। ये इधर से आ रही है जी न्यूट्री। भाजी ये न्यूट्री आपकी मतलब कितने घंटे से पकती रहती है तवे के ऊपर? ये सर 6-7 घंटे पकती रही, सुबह से जब तक तवा खत्म नहीं होता सर। क्या बात है यार। ये आ गए जी छोले, अमृतसरी छोले। और इधर देखो जो राणा न्यूट्री बन रही है धीमी धीमी आंच पे, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वो वाला काम हो रहा है जी इधर प्लेट में। ये देखो, वाह वाह वाह, ये आपकी प्लेट हो गई। अब इसमें आएंगे जी ब्रेड्स, दिखाइए सर। ब्रेड्स सर्व करने का तरीका बिल्कुल प्योर अमृतसरी नान है। वाह वाह वाह, ये आ गया जी अमृतसरी नान। ये बटर नान है सर। ये है जी बटर नान। भाई साहब सारा कुछ ना प्यार से इश्क मोहब्बत करके फिर सर्व करते हैं। चटनी आएगी सर। और इधर आएगी जी ये प्लेट के अंदर चटनी। वाह जबरदस्त है, चटनियों के तो ड्रम भर रखे हैं पाजी ने, बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रेपरेशन है ये। और ये आ गया जी साथ में प्याज और हरी चटनी। ये इटालियन परोठा है जी। इसके ऊपर भाई साहब आप देखो जो पिज्जा मिक्स होता है ना, वो डाल के बनाते हैं। मैं तो ये वाला बाइट, ये वाली जो बाइट है मैं लेने वाला हूँ इस न्यूट्री की सब्जी के साथ। ऊपर से हल्का सा ये रखते हैं जी प्याज। ओए किस बाइट, इसके एक एक लेयर तक, एक एक लेयर तक भाई साहब अच्छे से करारापन पहुंचा हुआ है। नेक्स्ट लेवल का नान है। और जो सब्जी है, आई डोंट थिंक ऐसी न्यूट्री की सब्जी कहीं खाई होगी। ये है जी चांप का एक बड़ा सा पीस भाई साहब। और टूट गया टूट गया। हियर्स अ बाइट, हियर गोस। इसके लिए यहाँ ना स्पेशली 100 किलोमीटर से भी आना बनता है। जलंधर से भी आ रहे हो ना ये पालक चांप के लिए, डेफिनेटली आ जाओ यार, बहुत जबरदस्त है। हियर्स अ बाइट, हियर्स अ बाइट, हियर्स अ बाइट। अमेजिंग प्रेपरेशन, जबरदस्त क्वालिटी, इंग्रेडिएंट, एक्सपर्टीज, सब कुछ है यहाँ पे। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रेपरेशन है, खाना बहुत अच्छा है। अगर आपने यहाँ पे खाया है तो कमेंट करके बताओ कैसा लगा था। अगर नहीं खाया तो ये बताओ कब आ रहे हो, कब खा रहे हो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें। साडी आनी ते जौंदा आता ते बजा रहे साडा पंजाब, नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी एक जबरदस्त पंजाबी ढाबा की वीडियो, देसी घी की बरसात होती है यहाँ पे, तो ये देखो।